मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है, जिसमें मुकेश शर्मा को विकासपुरी से, जयप्रकाश पवार को मादीपुर विधानसभा आरक्षित सीट से, प्रवीण राणा को विजवासन विधानसभा सीट से, परवेज हाशमी को ओखला से, मोहिंद्र चौधरी को मरहौली सीट से मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए रोमेश सबरवाल को टिकट दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को होने वाले हैं, जिसके नतीजे 11 फरवरी को सामने आएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की लास्ट तिथि 21 जनवरी और नामांकन पत्र वापस लेने की लास्ट तिथि 24 जनवरी है। वहीं नामांकन पत्र की जाँच 22 फरवरी को की जाएगी। आपको ये बता दें कि दिल्ली विधानसभा में 58 सीट सामान्य श्रेणी की, जबकि अनुसूचित जाति की 12 सीटें आरक्षित हैं। आपको बता दें कि पहले जारी हुए उम्मीदवारों की लिस्ट में तिलक नगर से एस रामेंद्र सिंह को, राजेंद्र नगर से रॉकी तुसीत को, नई दिल्ली से रोमेश सबरवाल को, बदरपुर से प्रमोद कुमार यादव को, कोंडली से अमरीश गौतम को, घोड़ा से भीष्म शर्मा को टिकट मिली थी। और न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली 99।